नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं MG व्लॉग्स। आप सभी को दोस्तों धम्म चक्र परिवर्तन दिवस और अशोक विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज है दोस्तों 11 अक्टूबर, सुबह का नज़ारा है ये, और आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि पूरी कचाकच भर गई है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, तो यहाँ का आपको सुबह का अद्भुत नज़ारा दिखाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, बीच में इसकी बिल्कुल मत करना। किस शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गाना बजाने का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। अच्छे अच्छे भीम गीत और बुद्ध गीत गा रहे हैं बच्चे, और इस तरफ से देख सकते हैं आप पूरे बैरिकेड्स लग चुके हैं। पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं दीक्षा भूमि के अंदर में कितना ताता लगा है। लोगों का आना शुरू है, यहाँ पर लोग भोजन दान कर रहे हैं, फल दान कर रहे हैं। मैंने सुबह आज 8 बजे 100 किलो मौसम्बी बाटी है दोस्तों, और अभी 10 बजे के आसपास करीब हमने 5 पेटी जो बाबू मोशा एक फल होता है वो फल बांटे हैं। इसके वीडियोस आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने काफ़ी शिद्दत से मेहनत करके ये लोगों को दिया है, और आपके भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है कि आपने हमें आर्थिक मदद की। आज शाम में हम 10 किलो एप्पल की पेटी बांटने वाले हैं यहीं पर दीक्षा भूमि पर, और फिर रात में हमारा भोजन दान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा रात, कल और परसों। तो हमें आप आर्थिक मदद कर सकते हैं इस स्कैनर पर। तो दोस्तों हमें मेरे साथ बने रहे, और चलो चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ अंदर के अद्भुत नज़ारे। देख सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ से दूर दराज से आए हैं। बौद्ध भिक्षु जो है दोस्तों वो महाबोधि मंदिर से यहाँ पर आए हैं काफ़ी तादाद में, और जैसे कि मैंने कल रात को आपको बताया था यहाँ पर बौद्ध धम्म की दीक्षा भी देना शुरू हो चुका है। ये देखिए लोगों का ताता, लोग कैसे लेकर आए हैं, अपने सर के ऊपर ढो रहे हैं अपना लगेज। और इधर है स्तूपा में जाने का मार्ग। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इधर में क्या शुरू है। देखिए पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है, मेरे सामने पुलिस कर्मचारी चल रहे हैं, और ये देखिए लोग जो सर्टिफिकेट दिखा बेटा, ये देखो इस तरह से सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अभी लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा? हाँ। कहाँ से आयो? बिहार से। बिहार से आयो, ओके ओके बढ़िया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों बौद्ध धर्म की, जय भीम जय भीम, दीक्षा लेना शुरू है। और जो दूर दराज से भारत के अलग अलग राज्यों से जो लोग आए हैं वो यहाँ पर तुरंत बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, और यहाँ पर उनको ये सर्टिफिकेट अलॉट किया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे थाईलैंड से आए हुए मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट जो बौद्ध भिक्षु है वो है, और सामने देखिए आप काफ़ी लोग, ये देखिए ये थाईलैंड से आए हुए लोग हैं ये पूरे, और यहाँ पर ये रह रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना पिंडदान नहीं दूंगा, ये दो दिन पहले से शुरू। मैं बुद्ध धर्म के, ये लोग सब थाईलैंड से आए हुए हैं, थाईलैंड से आए हुए मॉन्क है, कुछ लोकल लोग, इन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली है दोस्तों। चलो बढ़ते हैं आगे, और आपको ये देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क, उनका पहनावा ही अलग रहता है। चलो ये देखिए भाई बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम थाईलैंड से। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हर साल यहाँ पर थाईलैंड से बौद्ध भिक्षु आते, तो मुझे लगा ये थाईलैंड से आए हुए, लेकिन ये जापान से आए हुए हैं। मैंने बौद्ध भिक्षु से बात की, वहाँ के मॉन्क से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम जापान से आए हो, जो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं फॉरनर्स वो सारे जापानीज लोग हैं। चलो दोस्तों हम जा रहे हैं बुद्ध प्रतिमा की तरफ और बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ, बाद में आपको स्तूपा के अंदर ले जाऊँगा। देख सकते दोस्तों आप यहाँ पर लोगों का ताता आना शुरू हो चुका है, हज़ारों लोग यहाँ पर है दीक्षा भूमि के अंदर, और बाकी लाखों लोग जो है वो रास्तों पर है, कहीं आराम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का आना शुरू है कल से ही। और वो ऐतिहासिक पेंडोल है जहाँ पर बौद्ध धम्म की दीक्षा देना भी शुरू है दोस्तों। दो दिन से ये शुरू है कारवा। देखिए यहाँ पर भी पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त है, जहाँ तक हो सके आपको पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त दिखेगा। ये देखो दोस्तों आप, आपको जैसे बताया था मैंने, जितने भी आपको ये फॉरेनर्स दिख रहे हैं ये जापानीज बुद्धिस्ट लोग है। देखिए जापान से स्पेशली ये दीक्षा भूमि आए हैं इस तरह से, और ये देखिए दोस्तों भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा। बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे इसलिए लगाई गई है क्योंकि बाबा साहब जब पहली बार 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने यहीं पे पहला अपना चरण रखा था। और ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और स्तूपा के अंदर बाबा साहब की अस्थियाँ इसलिए रखी है क्योंकि वहाँ पर वहाँ से उन्होंने 5 लाख बौद्ध अनुयायियों को जो है वो संबोधित किया था और बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि जापान से आए हुए लोग यहाँ पर जितने भी लोग अगर कुछ गंदगी कर रहे हैं तो वो कवर उठा रहे हैं, रैपर उठा रहे हैं और सब कलेक्ट कर रहे हैं कचरा, चाहे फिर चाय के कप हो, खाने के जो प्लेट्स हो, वो सेवा दे रहे हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इनके हाथ में थैलियाँ हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी आपको फॉरेनर्स दिख रहे हैं। आपको बता दें कि ये सारे जापानीज बुद्धिस्ट लोग हैं और जितने भी लोग हमारे इस पेंडोल में कुछ गंदगी कर रहा है, चाय के कप हो, खाने के प्लेट्स हो, तो ये लोग उठा रहे हैं और अभी वो सब लोग साथ में मिलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे, दिखाते हैं आपकी बौद्ध धर्म की दीक्षा वो कैसे। बोलो इमं विकुसा विकुसंगसा भोजनं एमी उजेमी 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 द्वितीयंपि इमं विकुसा भोजनदानं देमी उजेमी उजेमी सत्यम्पि वंदेति। हमारे दिए हुए भोजन को और शुद्ध जल को अनुकंपा करके स्वीकार कीजिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दुःखवत्ता च निदुःखभयपत्ता च निभयम्। तो दोस्तों आज 11 अक्टूबर की सुबह मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश की, यहाँ का नज़ारा दिखाया हमने लोगों में, 100 किलो मौसम भी बाटी, 5 पेटी जो वो बाबू मोशा आता है वो यहाँ पर दीक्षा भूमि पर यहीं पे हमने वितरण किए और शाम में हम सेफ बांटने वाले हैं और रात में हम भोजन दान देंगे। तो कैसा लगा आपको ये नज़ारा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो में बने रहना, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों क्यों, ताकि आने वाले आपको सारे अपडेट्स मैं देता रहूँ। तो चलो मिलते हैं शाम में लाइव, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुधाय, जय भीम, धम्मा चक्र वर्धन दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।